नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आप सभी को मालूम ही होगा कि मारुति निक्सा के तहत अपनी प्रीमियम सेडान सीएस को बेचती है। पिछले साल की अगर हम इसकी एवरेज सेल्स के फिगर्स को देखें तो हर महीने लगभग इसके 2200 यूनिट्स बिक जाते थे, लेकिन इस साल जनवरी में इसकी केवल 835 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। सेल में इस गिरावट का कारण एक ये भी हो सकता है कि पहले ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन अब ये केवल 1.5 लीटर पेट्रोल में ही मिलती है। अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं टॉप एंड में, तो उसके अलावा मैं आपको टाटा की नेक्सॉन का XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट सजेस्ट करूँगा, उसे एक बार ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। नेक्सॉन का ऑटोमेटिक वेरिएंट सीएस के टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट से लगभग 10,000 रुपये सस्ता आता है, प्लस ये आपको डीजल और पेट्रोल VS6 ऑप्शन में भी अवेलेबल है। सीएस में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो टाटा नेक्सॉन आपको ऑफर नहीं करेगी। सीएस में जितने भी फीचर्स आते हैं टाटा नेक्सॉन आपको सारे फीचर्स ऑफर करेगी। उसके अलावा ये गाड़ी कुल मिलाकर 22 ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो आपको सीएस में नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये कार डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, सेफ एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, जिसकी वजह से आप इस कार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाड़ी आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट, बेटर पावर आउटपुट, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड बेटर सेफ्टी ऑफर करती है। इस वीडियो में दोस्तों जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। यहां पर हम इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग को भी कंपेयर करेंगे। दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू रीप आउट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दियर हार्ड अर्न मनी विद मॉडर्नाइज्ड अप मार्केट एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फीचर रिच कार। तो क्या आपको सीएस को छोड़कर टाटा की नेक्सॉन को लेना चाहिए? क्या टाटा नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी सच में बेहतर है और पावर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस सीएस से बेहतर है? क्या ये गाड़ी आज की डेट में अपने आप को सच में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के तौर पर साबित कर पाती है? अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। मारुति सुजुकी सीएस का पेट्रोल अल्फा ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिलेगा 11,09,974 रुपीज़ में। वहीं पर नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन का डीजल XZ प्लस मैनुअल वेरिएंट आपको मिलेगा 11 लाख रुपए में। वहीं पर पेट्रोल में आपको नेक्सॉन ऑफर करती है XZA प्लस ऑप्शनल वेरिएंट 11 लाख रुपीज़ में। दोनों ही गाड़ियां सीएस के वेरिएंट से तकरीबन 10,000 रुपये सस्ते में आती हैं। नाउ लेट्स सीएस में आपको मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 104 पीएस की पावर विथ 138 एनएम का टॉर्क। वहीं पर नेक्सॉन में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विच विल प्रोड्यूस 120 पीएस की पावर विथ 170 एनएम का टॉर्क। डीजल में नेक्सॉन आपको ऑफर करती है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन विथ 110 पीएस पावर एंड 260 एनएम का टॉर्क। अब बात करते हैं दोस्तों उन फीचर्स के बारे में जो फीचर्स आपको सीएस में मिल जाएंगे लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। इसमें केवल दो ही ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नेक्सॉन के इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से, जो है लेदर सीट अपहोल्स्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सीएस में आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी जो आपको नेक्सॉन के इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। दूसरा फीचर है दोस्तों 510 लीटर का बूट स्पेस आपको सीएस में मिल जाता है, वहीं पर नेक्सॉन में आपको केवल 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं नेक्सॉन के कुल मिलाकर 22 ऐसे फीचर्स के बारे में जो नेक्सॉन ऑफर करती है लेकिन सीएस में उनका दूर दूर तक कोई भी नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलता है। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से। नेक्सॉन में आपको मिलता है 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, एक बेहतर, एक बड़ी गाड़ी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड मोर स्पेशियस। सीएस में आपको केवल 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ही मिलेगा। दूसरा फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन में आपको केवल 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको रियर सीट 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको सीएस में नहीं मिलता है। थर्ड फीचर है दोस्तों आइवरी वाइट वेस्ट लाइन एंड एक्स फैक्टर डिज़ाइन एट द रियर ऑफ द कार। जी हाँ, नेक्सॉन में आपको ORVM से लेकर पीछे तक, सी पिलर तक और बैक साइड में एक आइवरी कलर की वाइट वेस्ट लाइन मिलेगी
और बैक साइड के डोर पर आपको एक एक्स फैक्टर का डिज़ाइन इस कलर में देखने को मिलता है जो कि सीएस में नहीं मिलता। चौथा फीचर है दोस्तों, रूफ रेल्स आपको नेक्सॉन में देखने को मिल जाएंगे। अगले फीचर की बात करें तो वो है पांचवा फीचर जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। नेक्सॉन में आपको बूट में चार कैरी बैग हुक्स मिल जाते हैं, उसके अलावा केबिन के अंदर हैंडबैग हुक्स मिलते हैं को पैसेंजर जो होता है उसके फुटवेल के पास में, और बी पिलर पर ये देखने को मिल जाते हैं। छठा फीचर है दोस्तों जो नेक्सॉन ऑफर करती है वो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो आपको सीएस में नहीं मिलेगा। सातवां फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन का 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी यूनिकली डिज़ाइन कूल्ड ग्लव बॉक्स जिसमें आपको आते हैं 2 कप होल्डर, वॉलेट होल्डर एंड विजिटिंग कार्ड और क्रेडिट कार्ड होल्डर अलॉन्ग विथ अ पेन होल्डर। आठवां फीचर नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी अम्ब्रेला होल्डर्स इन फ्रंट डोर्स जो आपको सीएस में नहीं मिलते हैं। नौवें फीचर की बात करें तो नेक्सॉन में आपको ड्राइवर फुटरेस्ट के लिए एक डेड पेडल भी मिलता है जो सीएस में आपको नहीं मिलता। दसवें फीचर की बात करें दोस्तों तो दसवां फीचर 10,000 रुपये सस्ते होने के बावजूद भी नेक्सॉन ऑफर करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ विद टिल्ट फंक्शन जो आपको सीएस में देखने को नहीं मिलता। जी दोस्तों, सीएस में आपको किसी भी तरीके से सनरूफ नहीं मिलता है। 11वां फीचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज की डेट में टाटा की लगभग हर एक कार में मिलता है, वो है मल्टी ड्राइव मोड्स। जी हाँ, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स ऐसे 3 मोड आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं जो कि सीएस में आपको नहीं मिलते। 12वें फीचर की अगर हम बात करें दोस्तों तो 10,000 रुपये सस्ती होने के बावजूद भी नेक्सॉन में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जो कि मारुति की गाड़ी में सीएस में आपको देखने को नहीं मिलते। 13वां फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन आपको आती है एक स्मार्ट वेरिएबल की के साथ में जो कि आपको सीएस में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 14वां फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन में आपको एक्सप्रेस फास्ट कूलिंग का एक ऑप्शन आता है जिसकी वजह से एसी आपके केबिन के टेम्परेचर को बहुत ही जल्द ठंडा कर लेता है, ये भी फीचर आपको सीएस में देखने को नहीं मिलता। 15वां फीचर है दोस्तों जो कि इंफोटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्सॉन में आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, फ्लोटिंग डैशटॉप डिज़ाइन के साथ में विथ AM, FM, USB, ऑक्सिन, आईपॉड एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स, कॉल रिजेक्ट विथ SMS ऑप्शन एंड कॉल कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा ये आपको इमेज एंड वीडियो प्लेबैक के साथ में भी आता है। 16वां फीचर है दोस्तों जो कि आपको सीएस में नहीं मिलेगा, वो है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये एक कनेक्टेड कार बनाता है नेक्सॉन को जो सीएस में अभी तक अवेलेबल नहीं है। 17वां फीचर है दोस्तों, इस ऐप की वजह से और दिस कनेक्टिविटी की वजह से आप व्हीकल लाइव लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं नेक्सॉन में। 18वां फीचर है, यहाँ से सारे सेफ्टी फीचर शुरू हो जाते हैं जो आपको सीएस में नहीं मिलेंगे। और 18वां फीचर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन नेक्सॉन में देखने को मिल जाता है। बेस वेरिएंट से ही ये फीचर मिलना शुरू होता है लेकिन सीएस में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। 19वां फीचर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको नेक्सॉन में मिलता है जो कि सीएस में नहीं मिलता है। 20वें फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन में आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का फीचर भी मिल जाता है जो कि सीएस में नहीं आता। 21वां फीचर है दोस्तों, रोल ओवर मिटिगेशन जो नेक्सॉन आपको ऑफर करती है बेस वेरिएंट से ही, लेकिन सीएस 10,000 रुपये महंगी होने के बावजूद भी ये फीचर आपको ऑफर नहीं करती। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट 22वां फीचर है दोस्तों, नेक्सॉन आपको आती है ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया में पढ़ा होगा कि मारुति ने अपनी गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेजने से मना कर दिया है, जबकि टाटा ने अल्टोस को लॉन्च से पहले ही ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट करवाया था जहां पर वो 5-स्टार सेफ्टी रेटर आई थी। इस वजह से टाटा ने सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है और नेक्सॉन भी इंडिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जो ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी लेकर आई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपकी भी कोई राय है या फिर आपके कोई सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन
ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।